मास्टर जी दम है तो किसी दिन किसी मीडिया चैनल पर डिबेट में बैठ जाना। मैं मास्टर जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इतना मत चिल्लाइए, नहीं तो गर्दन का नस आपका फट जाएगा। जिस तरीके से आप मजलिस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ, किशनगंज के पूर्व विधायक हैं मास्टर जी, उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक किए हैं। मैं मास्टर जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इतना मत चिल्लाइए, नहीं तो गर्दन का नस आपका फट जाएगा। अभी बहुत सारे बुरे दिन आपको देखने हैं। जिस तरीके से आप मजलिस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। आपको चिंतन करने की जरूरत है कि आपने जब से राजनीति में कदम रखा, कितने मजलूमों का आपने घर उजाड़ा है, कितने बेबस बेसहारों पर आपने जुल्म ढाया है। आपको तो बिलाल वाली मस्जिद याद ही होगी, किशनगंज में बहुत मशहूर मस्जिद है। उसके बगल वाली जमीन जहां आप अभी घर बना रहे हो, आपने वो जमीन किसी मजलूम की हड़पी पंचायती के नाम पर दलाली करके। आपके बारे में मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं। आप जब पढ़ रहे थे तब से ही आपकी आवारागर्दी करनी आपके फितरत में है। आप अपने क्लास में एक आवारा लफंगों की तरह आपकी छवि जानी जाती थी। आपने बहुत सारे लड़कों को शराबी बनाया, आपने बहुत सारे लड़कों को गुंडा मवाली बनाया। आपने 15 साल तक बिहार सरकार के शिक्षक बनकर आपने कार्य किया, जिसमें वो पैसे आपने हराम के खाए। आपने 15 बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, वो पैसा बिहार की जनता की थी, वो किसी के बाप की नहीं थी, वो बिहार की जनता की थी, ना ही आपके बाप की थी, और आपने उसको मजे में खाया। मालूम हुआ आप 50-60 करोड़ की संपत्ति भी बना लिए हो। किशनगंज में कुल आपने 24 जगह प्लाटें खरीदी है। ये बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, और आपने बहुत सारे लोगों को रुलाया भी है। कमीशन खोरी आपका मुख्य धंधा रहा है, डकैती में आपका बड़ा भूमिका रहता है, लूटपाट सड़क मारी छापे मारी कर आप जो है हमेशा लोगों को लूटते रहे हैं। चुनाव के समय जब आपकी मैंने जो आपका प्रचार माध्यम मैंने देखा था, जगह जगह शराबियों को आप तैनात किए, शराब बंटवाए, और हद तो तब हो गई जब आपने बाबरी मस्जिद की शहादत में आपने भाजपा का साथ दिया। बाबरी मस्जिद जो तोड़ा, वो बाबरी मस्जिद की तोड़ने वाली स्वीटी सिंह, जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पर उनको उनको शहीद करने पर, उनको बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने पर जो स्वीटी सिंह जो बयान दे रहे थे कि मैंने बाबरी मस्जिद जैसी बाबरी मस्जिद को मैंने तोड़ दिया, राम मंदिर बनाएंगे, घर घर भगवा लहराएंगे, उनके साथ आपने राजनीति करी, उनके लिए आपने वोट मांगा। जिन्होंने गुजरात को जला दिया, उनको उनका नाम लेकर आप मंच पर स्वीटी सिंह के लिए वोट मांगे,
आपने बहुत सारे मंदिरों में जाकर तिलक लगाया और कई मस्जिदों में जाकर आपने तिलक जो आपने लगाया था उनको आपने धोया, उसके बाद आपने मस्जिदों में लोगों को टोपी पहनाया। आपकी जो ये फितरत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको पता है इस तरीके से कोई आवारा कुत्ता भौंकता है, और आवारा कुत्तों की तरह अगर कोई बात करता है मास्टर, तो लोग क्या उसको इंसान समझेंगे? आपने बहुत सारे पर्सनल बातें हमसे कही मास्टर, आपकी औकात बहुत छोटी है। आपने हमारे धंधों के बारे में जिक्र किया, आपने हमारे काम के बारे में जिक्र किया, तो मैं मास्टर बता दूं कि आपके जैसे लोग मेरे दरबार में रोज दरबारी करने के लिए आते हैं, और अगर विश्वास नहीं हो तो आ जाना कभी हवेली पर, देख लेना। लेकिन इस तरीके से जो बेहुदा बयान मास्टर साहब आपने दिया है, और आज की राजनीति में आप तमाशा बने हुए हो, एकदम तमाशे की तरह आप उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हो, तरह तरह की बयानात दे रहे हो। पिछले चुनाव में 40,000 वोटों से जनता ने नकारा था, आखिर क्यों? कभी इस पर समीक्षा किया कि 40,000 वोट से तुम क्यों हारे थे? भाई इसमें समीक्षा करने की जरूरत है। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सपना देख रहे हो, भाई सपना देखना सबका हक है, देखो, लेकिन इंसान बनो, नेक बनो, एक अच्छे इंसान की तरह बात करो। भाई जिस कदर आप बात कर रहे हो, कई लोगों तो हम तो उसमें कमेंट में देख रहे हैं बहसी जानवर की तरह बात कर रहे हो, हाँ इस कदर भी कोई बात करता है? मैं जगह जगह देखता हूँ कि आप सजदा भी कर रहे हो और इबलीस से दोस्ती भी कर रखे हो। तो इबलीस से जब दोस्ती करोगे तो खुदा को कैसे मानोगे? मास्टर वक्त है, संभलो। और जो जनता भ्रमित, जनता को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। आप पूर्व है ना, तो पूर्व का काम है, पूर्व में जो काम किए हैं उस पर वोट मांगो। उस पर वोट मांगने की क्या जरूरत है? मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जनता को दिखाने के लिए। लेकिन मैं आपके तरह उदंड नहीं हूं, मुझे पढ़ाया लिखाया गया है, तरबियत दी गई है, राजनीति में बहुत सारे उम्र बाकी है। आप राजनीति को समझो और टेंशन कम लीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी। हमें पता है ना, खुद जब मास्टर थे आप, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, तो क्या वहां बेईमानी नहीं किया आपने? हाँ बेईमानी किया, आप बेईमानी किए हो। और बेईमान आदमी कैसे बात कर सकता है? अगर मैं गलत होता, मैं ईमानदार नहीं होता, तो इतना सीना ठोक के मैं मास्टर में बात नहीं करता। दम है तो किसी दिन किसी मीडिया चैनल पर डिबेट में बैठ जाना, बता देंगे किसमें कितना दम है। आए एक निहत्था पत्रकार को सरेआम उसका माइक तोड़ देना, उनको मारपीट करना, ये दर्शाता है कि मानसिक रोगी हो गए हो, इलाज की भी जरूरत है। पैसे मैं दे दूंगा, अगर दिक्कत है तो इलाज करवा लेना, लेकिन इस तरीके से उलूल जुलूल हरकत करके एक किशनगंज को बदनाम न किया करो भाई। किशनगंज ने बहुत सारे ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो किशनगंज का नाम रोशन किया है। आपके ही क्षेत्र से अख्तरुल ईमान साहब, जो देश दुनिया में बहुत नाम कमाए, अख्तरुल ईमान साहब जो इस देश में एक बड़े नेता में उनकी गिनती होती है, उनसे सीखिए, उनके बयान को सुनिए। वो कभी भी कीचड़ पे पत्थर नहीं मारे हैं, वो हमेशा कीचड़ को साफ करने का काम किया है। तो ये हमारा मशवरा है मास्टर, आपको मनोज मुंतशिर बनकर नहीं, मास्टर बनकर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
सारे धंधे तो आप ही किए, क्या मैं नाम दूं आपको? समझ में नहीं आता है बबरी मस्जिद तोड़ने वाले में आपका मैं क्या नाम दूं? मुसलमानों, आवाम और दलितों के खिलाफ हमेशा से खड़े हुए हो, दलितों के खिलाफ रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ रहे हो, बीजेपी को मजबूत किए हो, मैं क्या नाम दूं? फिर भी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि एक बनो, नेक बनो और वक्त की नज़ाकत को समझो और राजनीतिक चिंतन करो, शायद भटक गए हो और सही रास्ता मिल जाए। ये हमारा मशवरा है।